गया घर के अंदर घुस गया चमगादड़। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं डॉक्टर के, क्योंकि मितिका की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर वगैरह हो रहा है। तो मितिका को हम डॉक्टर के दिखाने जा रहे हैं। सही हो अब? रात से तबीयत खराब है इसकी, रात लेके आई थी दवाई, लेकिन उससे मतलब खांसी जुकाम की लेके आई थी, लेकिन सुबह से फीवर हो रहा है, तो इसलिए हम डॉक्टर के जा रहे हैं। क्या ना को भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो क्या ना को भी कोल्ड की दवाई लेके आनी है। मौसम एकदम से चेंज हुआ है ना, तो सबके हमारे घर में तो तबीयत ही ढीली हो गई, किसी को फीवर, किसी का गला खराब, ये चल रहा है। सो गाइस हमने दिखा दिया था मितिका को डॉक्टर के यहाँ, क्या ना को भी दिखा दिया था क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रहा था, तो उसकी भी दवाई ले ली। तो डॉक्टर कहला ये इन्फेक्शन चल रहा है, इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से काफी कोल्ड फीवर और ये गला खराब वगैरह चल रहा है। तो बाकी अब हम जा रहे हैं घर पे, तो बीच में मैडम को जूस पीने का मन किया, कह रही कि दवाई तो ले ही ली तो जूस भी पी लेते हैं। दवाई तो चली रही है, तो गन्ने का जूस लेने उतरी है। यहाँ पे गाड़ी की जगह नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी आगे ले आया। सो गाइस देख लो, मैडम दवाई लेने आई थी और गन्ने का जूस पी रही है। कैसा है, गिर रही हूँ बच्चों की तरह? ठंडा कम ही कर दिया, कम नहीं कर रहा, मतलब क्या बर्फ लग रही है मुझे कभी। सही है, इतना तो हो गई वरना बेकार लगेगा। वेट कंद करो, जो बने होते हैं वो यही तो है, वो ये लगी लगाई है। हाँ। देखो जो ये थी ना, ये ऐसी एक देना बताए, सही बताओ कैसी लग रही है, बताओ कैसी लग रही है, तुम बताओ पहले सब। नहीं ये बेसबॉल बैट है, बेसबॉल बैट। अरे नहीं ये बताओ कैसी लग रही है, रंगीन माचिस नहीं आती, इसे जलाओ, तरीके की लग रही है ये। सो गाइस अभी ना मैं अंदर बैठा हुआ था और एकदम से पता क्या मैं कह रहा है यार, परछाई सी दिख रही है किसी चीज की, पता घर के अंदर घुस गया चमगादड़। और बाकी सब लोग अभी कहीं रहे हैं कहीं बाहर, और मुझे लग रहा है इतना सा डर मैं बाहर आके खड़ा हो गया, अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ कैसे अंदर। पता वो पूरा इतना बड़ा चमगादड़ और वो घूम रहा, अभी भी दिखाता हूँ, देखो अभी दिखेगा तुम्हें, ये देखो गाइस अभी पता यहीं पे ही उड़ रहा था इतनी देर से, और अब मुझे दिख नहीं रहा और अंदर जाऊं कैसे, मेरे ये समझ नहीं आ रहा घर के। मैंने वाला गेट भी खोल दिया कि निकल जाएगा बाहर, यार आवाज आ रही है अंदर से, कहाँ बैठा होगा पता भी नहीं चलने का यार वो तो। सो गाइस अभी दिख तो रहा नहीं, मम्मी को फोन करा मैंने कि चमगादड़ घुस गया, कह रही कमरे में जाके बैठ जा, गेट वेट खोल दे बाहर का। अब मेरे समझ नहीं आ रहा वो बैठा कहाँ पे, दिख तो रहा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन है तो घर में ही कहीं, दोनों कमरों के गेट खुले पड़े हैं। अब कमरे के अंदर चला गया, मैं उसी कमरे में जाके बैठ गया तो मेरी तेज तेजी हो जाएगी। गाइस मैं बैठ गया बिल्कुल लॉबी के बीचम बीच, पता पर्दे पे बैठ जाता है वो, पर्दे पे चेक करता हूँ एक बार, रूम वूम बंद करके आऊँ क्या, अपने घर में डर सा लग रहा है मुझे तो। पता है यहाँ पर्दे पे बैठ जाता है, एक बार और घुस गया था पर्दे पे बैठा था, मेरा तो डर लग रहा है पर्दे हिलाने में भी। तो गाइस अभी ना मैं वीडियो देख रहा था जो मैंने रिकॉर्ड करी थी ना बाहर से चमगादड़ की, कि अंदर रूम में किधर की तरफ गया, तो मैंने देखा ना ऊपर जा रहा था वो, तो मैंने नीचे के दोनों रूम के गेट तो बंद कर दिए। अब यार मेरी ऐसी तैसी हो रही है ऊपर जाने में, क्योंकि जो मेरा रूम है खुला पड़ा है, वो उसके बराबर वाला रूम भी खुला पड़ा है, और वो अगर घुस गया रूम में रात को दिक्कत हो जाएगी, क्या ना भी सोएगी, क्योंकि अब मेरा समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर जाऊँ ना जाऊँ। यार एक तो ना कहते हैं ये चिपक जाते हैं, फिर गर्म चिमटे से हटाने पड़ते हैं, ये लफड़ा है इनमें। एक तो वो बैठ गया कहीं पे, और दिक्कत ये है पूरा घर खुला पड़ा है, कहाँ बैठा वो नहीं पता। नहीं आ रहा मैं बता दूंगी, ये यहाँ से बाहर तो नहीं आ पा रहा, इसे रास्ता को आवाज करके बुलाओ। Exactly.
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हमारी बुलेट पे से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, सुबह सुबह अंशी का मैं कचौड़ी खिलाने ले जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं कैंट की तरफ ही आया था तो मैं भोगनाथ मंदिर भी आ गया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था आए हुए। वैसे तो नॉर्मली आया जाता नहीं तो आज आ ही गया मैं। सो गाइस, आज सुबह मैं जल्दी निकल गया था तो इस वजह से फिर मैं सुबह मंदिर नहीं जा पाया। तो फिर रास्ते में ओगरनाथ मंदिर पड़ता है तो मैंने सोचा आज ओगरनाथ मंदिर में ही जल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं भोले बाबा के मंदिर आया, मैंने वहाँ जल चढ़ाया। बाकी भीड़ इतनी नहीं थी, आज मंडे था, सावन ख़त्म हो गए थे। उसके बाद फिर मैं गया राधा और कृष्ण जी के मंदिर में, वहाँ पर मैंने हाथ जोड़े और वहाँ पर ना छप्पन भोग लगा हुआ था। वहाँ डेली होता है छप्पन भोग का प्रसाद, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो चेयर्स वगैरह डाल रखी थी। फिर उसके बाद मैं गया शेरावाली माता के मंदिर में, मैंने वहाँ पे हाथ जोड़े। ओगरनाथ मंदिर में आके ना एक दिमाग को अलग ही शांति मिलती है। बस फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। गाइस, एक कमेंट आया अंशिका के लिए कि अंशिका तो एक अलग ही एंटरटेनमेंट पीस है। तो हमें अलग समझ नहीं आ रहा अलग क्या है, अलग का क्या मतलब है। अंशिका जब से टेंशन में आ गई कह रही अलग का क्या मतलब है। अलग तो दो तरीके के अलग होते हैं, एक तो अलग, एक एलियन वाला अलग, दुनिया में अलग प्राणी, बड़ी दूर से वाला अलग। सो गाइस, अभी रक्षाबंधन था ना तो उस पे आई थी सोन पापड़ी। तो कमेंट करके बताओ किस किस को सोन पापड़ी पसंद है। पति से ना भाई है, बहन है पति से की। हाँ, पति से की चाची है ये। अरे नहीं, बहन है। सोन पापड़ी पति से की चाची है। चाची क्यों होती, बहन है सोन पापड़ी। पतली सी है ना ये। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस, क्या ना कि बर्थडे वाला केक बच रहा है थोड़ा सा, तुम इतनी का लाइए खाने के लिए। अच्छा आ गई है, सारा खा लो। ये कितनी तेज है दोनों का, हमारे यूं नहीं कहा खा लो। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।